वेलकम बैक टू किसान डिजिटल। कुछ दिन पहले वो असम का जो रिपुन बोरा है ना, वो रिपुन बोरा जी ने एक स्पीच दिया था। वो स्पीच के ऊपर में एक रिएक्शन देना चाहता हूँ। वो रिएक्शन देने से पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ उसने क्या बोला था, ठीक है? All the time we are hearing one complaint that 70 बरस आपने दिया क्या। हाँ, 70 बरस तो हमने नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी में क्या किया। मैं इसको एक हमारा गांव में एक कहावत है मैडम, वो कहावत क्या है, जो एक बाप का बेटा जो निकम्मा होता है, वो कुछ आमदनी कर नहीं पाता है, वो क्या करता है, बाप का सब प्रॉपर्टी एक के बाद बिकता है, और सब बाप का प्रॉपर्टी सब बिकने के सब खत्म हो जाता है, तो वो आरोप लगाता है मेरा बाप ने मेरे को क्या दिया, मेरा बाप ने मेरे को क्या दिया। तो यही है, यही है। देखिए, उधर बोला था जो निकम्मा बेटा है ना, वो क्या करता है, बाप का प्रॉपर्टी को एक के बाद एक बेच देता है, मतलब सेल कर देता है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, हमारा जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना, वो मैक्सिमम बेच ही दिया था, ठीक है? और क्यों मैं ये बोल रहा हूँ आप देख लीजिए। ये है गोप, ये जो गोप है ना, ये गोप और ये है गवर्नमेंट का स्कीम, ये गवर्नमेंट का स्कीम है और ये ऑफिसर, ये जो गवर्नमेंट का स्कीम है ना, वो गवर्नमेंट का स्कीम में जो रुपया इन्वेस्ट करते हैं ना, वो गोप से चला जाता है, ठीक है? रुपया गोप से चला जाता है और ये जो ऑफिसर है, ये बड़े बड़े जो ऑफिसर है, मैक्सिमम ऑफिसर क्या करते हैं, वो स्कीम को चलाने के लिए जितना पोस्ट निकालते हैं, वो पोस्ट में जो एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, वो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो पोस्ट निकालते हैं, वो पोस्ट को ये ऑफिसर वालों ने सेल करके देते हैं। मान लीजिए ये कोई एक पोस्ट है, ये पोस्ट के लिए आपको क्या देना होगा, 2-3 लाख रुपया देना होगा। मतलब ये जो ऑफिसर है खुद को समझते हैं, खुद का व्यापार चल रहा है, ऐसे ही पोस्ट को सेल कर देते हैं। अरे, रिपुन बरन ने क्या बोला, गवर्नमेंट का जो ये पीएसयू था वगैरह वगैरह कुछ था, वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अरे भाई, प्राइवेटाइजेशन तो पहले ही था, क्योंकि जिसको जो मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला था। जो ऑफिसर वाले है ना, बड़े बड़े जो ऑफिसर मैक्सिमम ऐसे ही है, मैक्सिमम ऑफिसर क्या करते हैं, खुद को अपना दुकान बना लेते हैं, कोई एक पोस्ट को सेल कर देते हैं। जिसके पास रुपया था, जिसके पास क्या था, रिलेटिव आदमी है, और जो लोग रुपया देने के लिए तैयार है उसको इलिजिबल समझते हैं, और इसको इलिजिबल समझते हैं और उसके बाद उसको इधर काम करने के लिए जगह देते हैं। लेकिन जो आदमी रियली इलिजिबल है उसको इधर पे बैठने के लिए मौका नहीं देते हैं। और इसका मानिए, गवर्नमेंट का रुपया चला जाता है, गवर्नमेंट ने ही सैलरी देते हैं इस लोगों को, लेकिन जो पोस्ट निकालते हैं तो ये लोग सेल कर देते हैं जो रियली इलिजिबल नहीं है। तो
ये चल रहा था उन लोगों का गवर्नमेंट स्कीम, वो लोग समझते हैं गवर्नमेंट है, लेकिन मेरे नजर से तो पहले ही प्राइवेट था, लेकिन मोदी ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, डायरेक्टली बोल दिया प्राइवेटाइजेशन हो गया, यही डिफरेंस है। और एक क्या डायलॉग मारा, मेरे बाप ने क्या दिया। मुझे भी लगता है यार, आपने जब आप लोगों का सरकार था हमको क्या दिया, मेरे लिए जो पोस्ट निकल था वो पोस्ट तो आप लोगों ने सेल किया था, जिसके पास रुपया था, जिसके पास रिलेटिव आदमी है, जो लोग रुपया देने के तैयार है, जो लोग रुपया दे दिया है, आप लोग उस लोगों को आप लोगों ने इलिजिबल समझते और उन लोगों को सेल कर दिया, इसलिए मैं भी बेकार हूँ, मेरे को भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं भी यही बोलना चाहता हूँ, मेरे बाप ने क्या दिया, मतलब आप लोगों ने मेरे को क्या दिया, हमको क्या दिया। डायलॉग अच्छा ही है, मेरे को भी पसंद लगा, मैं भी और एक बार ये डायलॉग मारता हूँ, मेरे को आपने क्या दिया, कैसा लगा?